दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी आशंका, एक ऐसे कंसर्न के बारे में। जब भी मैं किसी पेशेंट को ऑपरेशन के लिए, सफ़ेद मोती के लिए काउंसिल करता हूं या उनको बताता हूं कि उनको सफ़ेद मोतिया है और फिर वो लेंस के बारे में अपना डिसीजन लेना चाहते हैं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं। सब कुछ बताने के बाद भी उनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उनकी बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारे उनके मन के विचार या उनकी ऐसी चीज़ें जो शायद मेरे से वो उपड़ी में नहीं बात करते, उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि लेंस जो होते हैं ये आपकी आंख की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, ताकि आप अपनी अगली ज़िंदगी जिस तरीके से देखना चाहते हैं, जिस बेहतरी से देखना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट्स करके आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस दिए हैं। जैसे मेरे अस्पताल जो मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा है, वहाँ पे हमारे आई डिपार्टमेंट के अंदर हमारे फेको माइक्रो इंसीजन कैटरेक्ट सर्जरी के साथ फोल्डेबल लेंस केवल मात्र 9,000 से 10,000 रुपये में पैकेज स्टार्ट होता है, जो शायद बहुत सारे लोग सोच भी नहीं पाते हैं कि मैक्स अस्पताल में 10,000 रुपये का पैकेज फोल्डेबल लेंस के साथ में होगा। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप 10,000 वाला डलवाइए या आप 1.5 लाख वाला डलवाइए। जैसे मेरे पास बाहर से, फॉरेन कंट्री से बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बेस्ट ऑफ द लेंस और बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं। मेरे पास वो भी सॉल्यूशन है जो 1 लाख से लेके 2 लाख तक भी जाते हैं। तो वो एक अलग क्षेत्र के लेंस हैं जो पर्टिकुलर पेशेंट की पर्टिकुलर आइज के लिए होते हैं। पर इन दोनों चीज़ों के बीच में जो सबसे बड़ा बैलेंस ये है कि मेरी इस ऑपरेशन करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो बिल्कुल सेम है 9,000 के लेंस वाले के लिए भी और 1.5 लाख के लेंस वाले के लिए भी। सो जो हमारे वर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं, जो हमारे मरीज को ट्रीट करने का तरीका है, वो सारे पैकेजेस में सेम रहेगा। तो आप अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपने खर्च करने की क्षमता के हिसाब से हमारे साथ बैठ के लेंस चूज कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 50,000 लाख रुपया 30,000 खर्च करना है। अगर आप नहीं खर्च कर सकते हैं तो कम रेंज वाले लेंसेज भी अवेलेबल हैं जो भी अच्छा देखते हैं, बट उनके अपने कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं जो हमारे नीचे दिए गए एक लिंक में, जिसमें हमने लेंस, कौन सी आंख के लिए कौन से लेंस होते हैं, बड़े अच्छे ढंग से बताया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों फिर आप ये सोच रहे होंगे कि 9,000 और 1.5 लाख में फिर ऐसा क्या अंतर हो गया, कोई इतने पैसे क्यों दे रहा है और कोई पैसे नहीं दे रहा, तो इसमें अंतर क्या है? अंतर है आपकी आंख की बनावट में और आपकी उम्मीद में कि ऑपरेशन के बाद आप कैसा देखना चाहते हैं। जो लेंजेस की रेंज या प्लेटफॉर्म है वो मोनोफोकल से बाईफोकल, ट्राईफोकल, टोरिक, ईड ऑफ, इतने सारे जो नाम मैं ले रहा हूँ, ये सारे लेंस बने हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि ऑपरेशन के बाद भी आप 80 से 90% काम चश्मे के बिना कर पाएं। तो ये डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म ऑफ लेंजेस हैं। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है, और इसी तरीके से लेंस का जो मेक है कि कौन सी कंपनी लेंस जो बना रही है वो किस प्रिसीजन, किस एक्यूरेसी, किस मटेरियल से बना रही है, उसका डिफरेंस से उसकी रेट्स का फर्क पड़ता है। तो जो ब्रांड्स हैं वो आपको उस प्लेटफॉर्म में क्वालिटी डिफाइन करते हैं, और जो प्लेटफॉर्म है मोनोफोकल, बाईफोकल, ट्राईफोकल, टोरिक, वो आपके चश्मा कितना लगाना है उसको डिफाइन करते हैं। तो इन दोनों के मिश्रण से आपके लेंस की कॉस्टिंग और आपके पैकेज की कॉस्टिंग डिफाइन होती है। तो अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप एक रीजनेबल ब्रांड का एक मोनोफोकल लेंस डलवा सकते हैं जो आपको 9-10 हज़ार की रेंज में अवेलेबल है, विद ऑल द प्रोटोकॉल्स और प्रक्रिया के साथ में। जो लोग चाहते हैं कि हमें बेस्ट लेंस डलवाने हैं वो इम्पोर्टेड मल्टीफोकल, ट्राईफोकल, टोरिक्स, वो भी डलवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी पैसे खर्च करने की क्षमता के ऊपर, कि आपको एक चॉइस दी गई है कि अगर आप चाहते हैं तो आने वाली ज़िंदगी आप अपनी आसान कर सकते हैं, और अगर नहीं आप अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं और अपने चश्मों के साथ या अपनी इस तरह की लाइफ से आप खुश हैं, तो आप वैसे भी चल सकते हैं और आपके कम पैसे में आपका सॉल्यूशन हो सकता है।
दोस्तों अक्सर मैंने ये भी देखा है कि जब लेंस का चुनाव करना होता है तो लोग बहुत ज़्यादा विचार करते हैं कि हम इतने पैसे खर्च करें या ना करें। ये आपकी चॉइस ज़रूर है, पर मैं अपना सुझाव ज़रूर दूंगा कि शायद आप किसी की रिश्तेदार की शादी में 15,000-20,000 के कोई सूट साड़ी या शॉपिंग के खर्च कर देते हैं, बट जो आपकी आंख का लेंस है वो एक ही बार आपके चेंज होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज़ ऑपरेशन के बाद हमारे पास आके ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे उस टाइम पे आपकी बात अच्छे से समझ नहीं आई, क्या आप अब मेरी आंख का लेंस बदल सकते हैं? तो मेरा जवाब होता है नहीं। तो कृपया इस वीडियो के माध्यम में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जो कपड़ा लेते हैं वो आपको पसंद नहीं आए वो तो आप बदल सकते हैं, पर आपकी आंख का लेंस आपकी आंख में जो चला गया वो सारी उम्र आपको वैसे दिखाएगा, तो ये हम बदल नहीं सकते हैं। तो इसको चुनाव करने से पहले इस पे आप टाइम स्पेंड करें, इसको समझें, हमारे साथ बैठें, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे। सो चुनाव सही तरह से करें ताकि इसका लाभ आप पूरी ज़िंदगी उठाएं, और जब भी आप अच्छा देखें आप भी खुश हों और पीछे बैठे हम भी खुश होंगे कि हमें आपको अच्छा चुनाव करने के लिए अच्छे सुझाव दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।